हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या है, आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो पिछली जो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, तो होपफुली वो आपके समझ में आया होगा और हमने किस तरीके से क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जो है वो काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज लेके आया हूँ वो भी एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है तमाम टॉपिक से, जो कि आपको अमूमन बहुत कम जगहों पे इसका जो सोल्यूशन वगैरह है वो मिलता है, ठीक है ना? तो कंडीशन समझना कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, काम करना स्टार्ट करते हैं और जो है वो वर्किंग किस तरीके से हमने करनी है यहाँ पे, वो करनी है वर्किंग हमने। तो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो स्टार्ट कर रहा हूँ क्यों, टॉपिक कौन सा है हमारा, एज फैक्टर का। आज टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, एज फैक्टर का। अब एज फैक्टर का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना? अब इस एज फैक्टर के क्वेश्चन को किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो जब भी एज फैक्टर का सवाल हमारे पास आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि जो एजिस के क्वेश्चन होते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था, ठीक है ना? उस वक्त जो है वो भाई की उम्र इतनी थी, अब मेरी कितनी है, तो ये एज फैक्टर हो गया दो लोगों के दरमियान। तो तीन लोगों के दरमियान भी ऐसा हो सकता है, थ्री पर्सन हो सकते हैं, फोर पर्सन हो सकते हैं, मैनी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको सिनेरियो के हिसाब से कंडीशन समझना है, ठीक है ना? कंडीशन क्या है हमारी, हमारी कंडीशन जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना और फिर उसके बाद बताना कि क्वेश्चन में क्या चीज आपको बेटर लगी। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, ठीक है ना? तो जिस तरह से, जिस जो तरीका बता रहा हूँ ना, उस तरीके को फॉलो करोगे तो कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को रीड करो सही तरीके से। जब क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करोगे तो कंडीशन क्या बन गई आपके पास, आप वो देख लें। क्या द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ साकिब टू आसिम, आसिम इज माई फ्रेंड, साकिब टू आसिम इज 2:3, ठीक है ना? तो ये रेशो है 2:3, ये एजेस नहीं है, ये एजेस नहीं है, ठीक है ना? ये 20 इयर्स और 30 इयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? 60 इयर्स और आपका डिफरेंट 90 इयर्स भी हो सकता है। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये आपको रेशो मालूम है या आपको इनकी वैल्यूज नहीं मालूम। अब आइए कहते हैं, फिर कहते हैं एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ साकिब टू फैजान, फैजान इज ऑल्सो बी आर माई फ्रेंड, ठीक है ना? तो फैजान और साकिब के दरमियान जो रेशियो है वो रेशियो कितने हैं, 6:7 है, ठीक है? अब पूरे सुनैरियो में, पूरे सुनैरियो के अंदर, यहाँ पर इस सवाल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पर्सन की बात हो रही है, वो 3 पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना? 2 पर्सन का बहुत ईजी सवाल होता है, वो तो आप बड़े आराम से कर लेते हो, लेकिन जब भी ग्रेटर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व हो जाए तो उस कंडीशन में ना बड़ा थोड़ी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, वही कॉन्सेप्ट आपको आज मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करना, ठीक है ना? तो देखो कंडीशन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, साकिब टू आसिम कितना, 2:3, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है साकिब टू फैजान, यानी साकिब रेशो फैजान इज 6:7, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गए। अब कहता है कि इफ फैजान इज 20 इयर्स ओल्ड, फैजान की जो 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 एज है वो कितनी है, 28 इयर्स ओल्ड है, तो फैजान की वैल्यू दे दी, फैजान की वैल्यू दे दी। अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या फैजान का जिक्र है, नहीं, वो तो साकिब एंड नासिम का है, ठीक है ना? फैजान का जो कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा है वो किससे कर रहा है, वो साकिब टू फैजान से कर रहा है। इट्स मीन ये हुआ कि हम जो स्टेटमेंट यूज करेंगे वो साकिब टू फैजान के लिए करेंगे, और इनमें वेरिएबल कौन है, 2 वेरिएबल हैं, एक साकिब और दूसरा वेरिएबल कौन है, फैजान। जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो आपने ये देखना है कि आपको कौन सा वेरिएबल मालूम है और उससे रिलेटेड दूसरा वेरिएबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कहता है व्हाट इज द एज ऑफ आसिम, साकिब की एज नहीं पूछ रहा, किसकी एज पूछ रहा है, आसिम की एज पूछ रहा है। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक साकिब की एज नहीं पता होगी उस वक्त तक आसिम की एज मालूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां तक का तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको डेटा किस तरह से बना रहे हैं। सबसे पहले डेटा बना साकिब और आसिम का 2:3, फिर बना साकिब रेशो फैजान का कितना 6:7, देन फैजान की जो एज है वो कितनी है 28 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन में सबसे पहले जो हम कंडीशन यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, साकिब रेशो फैजान की, क्योंकि एज किसकी मालूम है, फैजान की मालूम है। इसमें इन ये स्टेटमेंट में, इस पूरी स्टेटमेंट में आप भी यहाँ पे स्क्रीन पे देखें अपने पास, जो स्टेटमेंट है साकिब रेशो फैजान इज इक्वल टू 6:7, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, और 2 में से 1 वेरिएबल आपको दे दिया, तो अब बचा कितना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल कौन सा, साकिब। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे साकिब की एज मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने कंडीशन कौन सी यूज की, ये वाली कंडीशन यूज की, जो कंडीशन आपको मालूम हो, जिसकी वैल्यू मालूम हो, वो लिंक किससे कर रहा है, उस लिंक से आपको फिर क्या करना है, स्टार्ट करना है गेम, ठीक है ना। अब साकिब रेशो फैजान है तो इसका मतलब क्या हुआ, साकिब डिवाइड बाय फैजान, साकिब डिवाइड बाय फैजान कितना, 6/7, 6/7। अब फैजान की जो एज है वो कितनी, 28 है, तो इसका मतलब फैजान की जगह पे क्या आ गया, 28 आ गया, बाकी तमाम वैल्यू ऐसे ही रही, ठीक है ना। अब साकिब की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 28 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से होगा, तो 28 × 6। अब 28 × 6 करें आप और डिवाइड कर दें किससे, 7 से, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। इसका मतलब ये हुआ द एज ऑफ साकिब इज 24। अब देखिए यहाँ पे फैजान की एज मालूम थी 28, साकिब की जो एज है वो कितनी आ गई, 24 आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी जो पहली स्टेटमेंट है, आप स्क्रीन को लाजमी देखते रहे साथ साथ, स्क्रीन को देखेंगे आपको नजर आएगा, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना दिखा के, वो ये शो कर रहा हूँ। अब स्क्रीन में जो डेटा में फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी, साकिब रेशो आसिम इज इक्वल टू 2:3। अब इस स्टेटमेंट में, इस वाली स्टेटमेंट में हमें आसिम की एज मालूम करनी है, अगर आसिम की एज मालूम करनी है तो मुझे साकिब की एज मालूम होनी चाहिए, तो साकिब की एज कितनी आ गई, 24 आ गई। इट्स मीन अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं आगे, वही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट यूज की, साकिब रेशो आसिम, फिर साकिब डिवाइड बाय आसिम हो गया, 2/3 हो गया, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो साकिब डिवाइड बाय आसिम और 2/3। साकिब की एज कितनी आ गई, 24। देखें इस एज की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, ये हमने ऊपर कैलकुलेट की कितनी साकिब की जाए, 24 आई थी, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आसिम मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 24 से। तो देखो बेटा 3 × 24 से और आसिम जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। आसिम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई आसिम से, तो वहां जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या मतलब हुआ इस कंडीशन का, कि 24 × 3, 2 से मल्टीप्लाई था, वहां जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और जो आपका आंसर आया वो आंसर आसिम का कितना आ गया, 36 ईयर्स ओल्ड आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर आपने इस सवाल को सॉल्व करना सीख लिया कि जब भी रेशो की कंडीशन आए, एज फैक्टर आए, तो एज फैक्टर के अंदर आपने किस तरह का काम करना है। यहाँ पे 2 या 2 से फर्दर मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आप उसको इस तरीके से कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आपके पास पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी सारे आए हुए हैं, और जो है इसको सॉल्व करें और इससे रिलेटेड नेट पे क्वेश्चन सर्च करें, गूगल पे देखें, आप जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करें, और फिर जो है वो प्रैक्टिस से इसको परफेक्ट करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपने न्यू टॉपिक के साथ। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बता दूं मैं आपको, कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूँगा अभी वो इसी एज फैक्टर से ही होगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो एज फैक्टर है वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट से खेल रहा है, हर सवाल के अंदर स्टेटमेंट से खेल रहा है,
आपके पास जितनी भी बुक्स मिलेगी ना, जो राइटर्स की बुक होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गेम क्या है, स्टेटमेंट से खेलना। वो स्टेटमेंट अगर आपने सही से पकड़ ली, वो पिक कर ली, तो वो आप डेटा सही बनाओगे, डेटा सही बनाओगे, डेटा सही बना तो इसका मतलब जो चीज रिक्वायर्ड है आप वही पहचान लोगे रिक्वायर्ड क्या है, और फिर आपने सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है आपको ये भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेन गेम क्या है हमारा, मेन गेम क्या है हमारा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पिक करना। तो जो अभी वीडियो आप अभी जो बनाई है, अभी देखी है, इसको दोबारा सही से देखिएगा, देखने के बाद अपना कमेंट दीजिएगा वीडियो पे। लाजमी तौर पे आपका कमेंट मुझे चाहिए होगा अपने इस लिंक के ऊपर, ताकि मुझे पता लग सके जो टॉपिक है वो आपको इजी हो रहा है नहीं हो रहा। और चैनल जो न्यू बच्चे हैं, वो जितने मेरे नए फ्रेंड हैं, वो चैनल को अगर यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, तो आपको मेरे जितनी भी हिस्ट्री में, जितनी भी पास्ट में, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, और जो अपकमिंग आएगी वो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना यही होगा, एज फैक्टर का टॉपिक होगा, और इस एज फैक्टर को थोड़ा सा और थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर, ठीक है। चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।